टीवी का पहला शो है तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो और पहला जी गोल्ड अवार्ड्स पहली परफॉर्मेंस एंड तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. रेट्रो लुक है मेरा आज एंड मैंने भी आज इंडो वेस्टर्न पहना है जंपसूट लहंगा जो आपने देखा. सो वेरी मच एक्साइटेड, बहुत मज़ा आया परफॉर्म करके भी. अब जा रहे हैं अवार्ड्स देखने. ओहो, मुझे 4 घंटे लगे बिकॉज पहले परफॉर्मेंस की चेंज, अभी रेड कार्पेट की चेंज एंड आई लव डूइंग मेकअप तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था. आई टुक लॉन्ग टाइम बट इट्स फन, इट्स एक्साइटिंग एंड आई एम एंजॉयिंग इट. मैंने कुछ कैरी नहीं किया. आई हैव अ गोल्डन वाइफ. मेरी लास्ट ईयर की गोल्ड अवार्ड्स की मेमोरी है. मैं लास्ट ईयर अवार्ड जीता था फॉर द सेम कैटेगरी और उसी कैटेगरी में फिर से नॉमिनेटेड हुआ. तो लेट्स सी, लेट्स होप सो कि आई विन इट दिस टाइम. अच्छा, तैयारी मतलब ये कि फटफट से सीन करो और भागो. और प्लीज पसीने में मत जाना बिकॉज ये है ना गोल्ड की वजह से, इतना गोल्ड है कि मैं एक्चुअली क्या मतलब पसीने पसीने आ रहा है. कब था कि तुमने ये गोल्ड भी पहना है? इसलिए पसीना आ रहा है. गोल्ड गोल्ड, ओह माय गॉड. ऑब्वियसली गोल्ड अवार्ड्स हैं तो खास हमेशा रहता है मेरे लिए बिकॉज हमेशा गोल्ड अवार्ड्स ने मेरे टैलेंट की कदर की है और हमेशा मैं कुछ ना कुछ लेकर गई हूँ यहाँ से. सो और साथ ही साथ बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती हैं और एक बिजी जो लाइफ रहती है शूटिंग की उसे बाहर आने का मौका मिलता है. गोल्ड क्लच है, गोल्ड वर्क है मेरी ड्रेस के अंदर. सो बिकॉज ऑफ गोल्ड अवार्ड्स बेसिकली यही खास तैयारी है कि मैंने अपनी ड्रेस में और अपनी रिंग में भी गोल्ड ही गोल्ड पहना है, इयररिंग में भी. सो दिस इज ओनली बिकॉज दिस इज ओनली फॉर गोल्ड अवार्ड्स. रियली वेरी थैंक टू गोल्ड अवार्ड क्योंकि मेरी टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे फर्स्ट अवार्ड जो मुझे मिला था दैट वॉज गोल्ड अवार्ड फॉर दिया एंड बाती भाबो कैरेक्टर के लिए. और I'm very excited. This is my fourth gold award जो मैं आ रही हूँ और बहुत excited है. बहुत सारे programs हैं और I think अरविंद जी भी gold carpet कर रहे हैं तो बड़ी खुशी है. देखना चाहती हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं. Let's see. अवार्ड्स है तो आई एम ऑल गोल्ड एंड आई एम ऑल एक्साइटेड और ऑल ग्रीन एंड ऑल रेड. और ये कार्पेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दिस टाइम. गोल्ड गोल्ड को बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया, इट्स अ गोल्ड कार्पेट दिस टाइम. सो या एंड मैं अपनी लुक को लेकर बहुत एक्साइटेड थी. सो यस, माई आउटफिट माई डिज़ाइनर शाहिद आमिर हैज डिज़ाइनड. सो आई एम वेरी हैप्पी. परफॉर्मेंस मेरा है एंड आई एम डांसिंग ऑन नचो सारे जी फाड़ के एंड बहुत ही कॉपर ब्लिंग एंड गोल्ड आउटफिट है, गोल्ड शूज़ है. सो यस, लॉट ऑफ गोल्ड दे हैव एडेड इन माई. खास इसलिए क्योंकि इस बार मैं गोल्ड अवार्ड होस्ट कर रहा हूँ. सो आई एम रियली एक्साइटेड. बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट लिखी गई है. सो इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन. और ये एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जहाँ पर आपको यू नो रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए जाते हैं, आपको ऑल आउट मौका दिया जाता है कि आप लोगों के साथ मस्ती कर सकें. सो आई एम रियली हैप्पी, रियली एक्साइटेड. एंड प्लस क्या है कि अगर एक दो अवार्ड भी मिल जाते तो बड़ा अच्छा लगता है ये गोल्ड अवार्ड. यस, GID 5 में भी मैं दिखने वाला हूँ. क्या है कि मेरे फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे कि मैं यू नो एज एन एंकर टीवी में ज़्यादा आ रहा नहीं था. सो मैंने कहा कि चलो आई हैव गॉट अ 3 मंथ ब्रेक. सो मैंने सोचा कि क्यों ना एंकरिंग के जरिए वापस आकर थोड़ा सा लोगों का मनोरंजन कर सकूँ. एंड व्हाट बेटर देन GID 5, इट्स द बिगेस्ट शो ऑन टेलीविजन यू नो व्हेन इट कम्स टू डांस शोज. एक्चुअली बहुत सारी तैयारी कर रही हूँ कल से क्योंकि मैं गोल्ड अवार्ड्स होस्ट कर रही हूँ विद अली असगर एंड ऑफ कोर्स जय भानुशाली. तो काफ़ी हमारी तैयारी चल रही है, टेक्निकल रिहर्सल्स, तालमेल, केमिस्ट्री. तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड आई होप दैट वी गिव अ गुड शो टू द ऑडियंसेस. आई थिंक द बेस्ट मेमोरी दैट आई हैव विद द कलर गोल्ड इज व्हेन आई वन बिग बॉस क्योंकि मैंने एक गोल्ड कलर का गाउन पहना हुआ था. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इन माई लाइफ. थैंक्स टू कैन फर्न्स एंड कलर्स के मुझे बिग बॉस के उस मोमेंट पे मैंने गोल्ड पहना हुआ था एंड आई एम रियली थैंकफुल के गोल्ड का वैसे ही मैं इतना प्यार करती हूँ गोल्ड से और इतनी अच्छी मेमोरी मेरे साथ जुड़ गई. हाँ,
हाँ, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा, जब भी कोई अवार्ड्स होते हैं वो अपने आप में एक थीम बना लेते हैं. सो जब गोल्ड होता है तो वो अपने आप में एक मुझे वैसे भी ब्लिंग बहुत पसंद है. सो कहीं ना कहीं ब्लिंग और गोल्ड का टच होना मेरे आउटफिट में और मेरी वेयरिंग में बहुत ज़रूरी है. सो मैंने वही परंपरा निभाई है. हाँ, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, लाइव एक्ट है, कुछ बहुत डिफरेंट है. जो अभी तक काफ़ी सारे अवार्ड फंक्शंस में नहीं किया गया, कुछ पहली बार होने वाला है. सो मैं चाहती हूँ लोग देखें और मुझे उम्मीद है कि उनको पसंद है. मुझे लगता है, पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिंगर्स क्रॉस, चाहती तो वो मिल जाए, कौन नहीं चाहता. भाई, नया सूट डाल के आऊँ किस तैयारी के साथ? क्या कुछ जंग थोड़ा लड़ने हैं यहाँ पे, हम अवार्ड शो है देखने आए, एंजॉय करने, एंटरटेनमेंट है. मैं स्पेशली आई हूँ, साथिया नॉमिनेटेड है, माय ब्रदर, माय भाभी एंड ऑफ कोर्स माय जिगर भाई इज परफॉर्मिंग. सो लेट्स सी, मैं इन सब के लिए आई हूँ.